जल्दी नहीं अरुल ओके सबसे पहले आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है लाइक इंडियन वेयर ट्रेडिशनल बहुत ही अच्छी सलवार कमीज क्या कहना चाहोगे थैंक यू सो मच ऑफ कोर्स मौका वो है जब आपको पूरी तरीके से श्रृंगार करने का और तैयार होने का मौका मिलता है एंड मुझे इंडियन पहनना बहुत अच्छा लगता है मैं कभी भी वो मौका नहीं छोड़ता ओके आज संदीप सर के इसमें आए बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर है क्या कहना चाहोगे गणपति उनकी 49 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है तो क्या कहना चाहोगे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतने लंबे अरसे से जब कोई श्रद्धा रख के गणेशोत्सव मनाता आया है आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं बहुत अच्छा लगता है नॉट जस्ट दिस फेस्टिवल संदीप यहाँ पर हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है सो इट्स ऑब्वियसली व्हाट इज टेलीविजन हो आप वेब सीरीज आप कर रहे हैं हर जगह लाइम स्टोन है केदारनाथ फिल्म में भी आपने बहुत बेहतरीन काम किया क्या कहना चाहोगे नेटफ्लिक्स में अभी आप कर रहे हैं क्या है वो कैरेक्टर थोड़ा अगर आप बता सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती बट ये जरूर बता सकती हूँ कि वेरी सून यू विल गेट टू नो अबाउट इट बट या दैट्स ऑल आई कैन से ओके रियलिटी शो चल रहे काफ़ी खतरों के खिलाड़ी चल रहा है कौन से फ्रेंड आपके हैं और किनको आप सपोर्ट करें रूबीना है फेजू है और झलक भी चालू हो चुका है खतरों के खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है आई न्यू दैट रूबीना वाज देयर बट आई थिंक अब रूबीना झलक में है डांस कर रही है शिल्पा शिंदी है फेजू है या सो सनम जो रूबीना की कोरियोग्राफर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तो उनके डांस मतलब आपने किया उनके साथ कभी डांस नहीं मैंने डांस नहीं किया लेकिन मैंने उनको देखा है उनको एबी के साथ नजबली में देखा है एंड नजबली में तो देखा ही है लेकिन ही हिमसेल्फ इज अ फैबुलस कोरियोग्राफर डीआईडी हो या डीआईडी लिटिल वंस हो या चाहे कोई भी शो उठा लो ही इज A1 तो आप कभी हम नहीं देख पाते आपको बिग बॉस जैसे झलक दिखला जाए इतने क्या कारण है आप रियलिटी शो से दूर रहते हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वही कॉन्सेप्ट आप करते थे रियलिटी शो क्यों नहीं करना चाहते क्योंकि इससे तो पता नहीं मुझे रियलिटी शोज पता नहीं आई डोंट नो इट्स नॉट फॉर मी बट झलक इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम झलक डांस करना आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता है मे बी नेक्स्ट ईयर झलक ओके आखिर में अपने फैन से आप क्या कहना चाहेंगे मैं अपने फैन से ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच आज तक आपने जितना प्यार दिया उसके लिए और बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए हेल्थ इज वेल एंड उससे ज़्यादा कुछ थैंक यू